बड़े सरल स्वभाव के और सीधे, और जितने वो सीधे रहे उनकी पत्नियां उतनी झगड़ालू रही। एक आपने संत सुने होंगे जिनका नाम था नामदेव। नामदेव संत थे, बहुत विख्यात संत हैं। जितनी ये सीधे उनकी पत्नी उतनी झगड़ालू। एक दिन संत जी बैठे थे तो 10-20 और इकट्ठे महात्मा बैठे, तो कुआं पे पानी भरने जा रही थी पत्नी। नामदेव जी ने देखा कि पत्नी आ रही है, संतों से बोली अभी देखो सुना के जाएगी। तो बोली है निठल्लो, अरे सुबह सुबह बैठ जाते हो, काम धंधा तो है नहीं, अब बस कुछ काम के हो नहीं, बैठ गए, भजन किया, सत्संग किया, खाया पिया, बस चले गए। अरे एक तो 20-25 इकट्ठे होते हो, उसके बाद मेरे पति को भी बैठा ले तो काम धंधा कुछ करते नहीं हो। 4-6 सुना के चली गई और बोली सुनो हम पानी भर के वापस आ रहे, एक भी या नहीं दिखना चाहिए। इतना कह के गई और जब तक वापस पानी भर के आई तब तक पहले तो महाराज 25-50 और इकट्ठे हो गए। 50 इकट्ठे बैठे, तो सुनाई गई होते हैं। जो पानी की गागर हाथ में थी वो खोपड़े पे नामदेव के मारी और जवाब दो मैं कह के गई थी तुम्हें सुनाई नहीं दिया। नामदेव जी के खोपड़े जब गागर लगी सुहासकी बोले भाई तो लोग फालतू में ही कहते हैं कि जो गरजत है में बरसत ना, इतने तो गरज गई होते तो बरस गई। यार बोलिए गोविंद भगवान की, कभी गुस्सा नहीं करते। एक दिन ता की गन्ने लेते आना पत्नी ने, तो नामदेव जी गन्ने लेके आ रहे थे, रास्ते में बच्चे मिल गए, बोले गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। दूसरा बोला ये गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। खूब बड़ी गठरी थी, जब तक घर पे आए तब तक हाथ में एक गन्ना रह गया। पत्नी बोले इधर आ। बोले क्या है, क्या ये गन्ना है? कितने मंगाए थे? मंगाए तो बहुत थे। हैं कितने? है तो की इधर लाओ। पत्नी ने वो हाथ में गन्ना पकड़ो और नामदेव जी के घोपड़े पे मारो, एक गन्ना का दो टुकड़ा हो गया। अब नामदेव जी हंस के बोले भाई तो जे सोच रहे कि एक गन्ना है तुम खाओगे, हम खाओगे तुम खाओ, एक के दो हो गए, एक तुम खाओगे। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे ऐसे संत हुए, लिखते हैं विद्वान। अरे तीन कहन नमान सुखी सुखी, धनवान कहे तो सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे तो सुख इंद्र को भारी। ए भैया भगवान भजन बिन है दुनिया में सब जीव। इस प्रकार से ध्रुव की भक्ति पूर्ण हुई। कल जो कथाएं होंगी सुबह की बेला में भक्त प्रहलाद राजा वली, सबसे पावन चर्चा होगी सूर्य वंश की राजा हरिश्चंद्र। सभी भाई बंधु माताएं बहने भारी से भारी शिक्षा में आने का कष्ट करें। नजरिया